हेलो माय डियर वंस, आज बात करने वाली हूँ मैं वाइब्रेशंस के बारे में। ऐसा बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है कि वाइब्रेशंस काम करती हैं। आपने बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज, हीलर्स के मुंह से सुना होगा कि हर चीज़ में वाइब्रेशन होती है। अगर आप अच्छी वाइब्रेशंस के साथ कुछ भी करते हैं तो उससे आपकी हीलिंग भी बहुत अच्छी होती है, और जैसा भी आप वाइब्रेशन के साथ खाना खाते हैं या किसी भी चीज़ को एनर्जी देते हैं वो वैसे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और अपनी वाइब्रेशंस को हाई कर कर आप पॉजिटिव थिंकिंग के ज़रिए किसी भी चीज़ को इतना पॉजिटिव कर सकते हैं, उसकी वाइब्रेशंस को इतना हाई कर सकते हैं कि उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैंने भी अपने दूसरे चैनल की वीडियोस में इस बारे में बात की है पहले भी, आज मैं आपको बहुत ही क्लैरिटी से समझाऊंगी। देखिए, जो वाइब्रेशंस हाई करने का कॉन्सेप्ट है वो हमारे इस बिलीफ पर जुड़ा हुआ है कि हम जैसा सोचते हैं, जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, थॉट्स क्या हैं हमारे, यानी कि एक ग्रुप है कुछ वर्ड्स का। अब हर वर्ड का एक मीनिंग अटैच्ड होता है हमारे दिमाग के साथ। अब हर एक वर्ड से हमारी, क्योंकि ऑलरेडी एक मीनिंग के ज़रिए पहचान जुड़ी हुई होती है, तो उससे हमारे इमोशंस भी जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए तो जब कोई आपकी तारीफ़ करता है और आपको बोलता है कि आप बहुत सुंदर लग रहे हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं पर अगर कोई आपको ये बोले क्या पहन रखा है, बहुत बुरे लग रहे हो, तो अच्छा फील नहीं होता। यानी कि वर्ड्स में पावर है। अगर आप किसी को भी कुछ भी अच्छा बोलते हैं तो उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट आती है वो क्यों आती है, क्योंकि आपके अंदर उस शब्द की कुछ प्रतिक्रिया हुई। यानी कि शब्दों में बहुत पावर होती है। जब हम अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं अपने पॉजिटिव वर्ड्स के ज़रिए, तो उससे हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंज आते हैं, क्योंकि जो भी कुछ हम बार 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 अपने अंदर दोहराते हैं वो हमारे लिए सच बन जाता है, सच्चाई बन जाती है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, बहुत सारे लोगों का विश्वास होता है, कोई अंगूठी पहन ली, कोई धागा उन्होंने बांध लिया, कोई भी ऐसे यहाँ ताबीज़ बांध लिया, गले में कुछ पहन लिया, कोई भी अपने धर्म के अनुसार उन्होंने कुछ भी ऐसे अपने आप को विश्वास से जोड़ लिया, और उस विश्वास से जोड़ने के बाद कि अब ये उपाय मैंने कर लिया है, अब मेरी ज़िंदगी की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, या मैंने ये खा लिया है, या मैंने ये दान दे दिया है, कुछ भी ऐसे उपाय करने के बाद लोगों का एक विश्वास होता है कि अब उनकी ज़िंदगी की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी और उनके ज़िंदगी में अब सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो क्या किसी अंगूठी, क्या किसी ताबीज़ या किसी दान में या कुछ खाने पीने में ऐसा होता है जिससे कि वास्तव में आपकी सारी समस्याएं चली जाएंगी? ऐसा तो नहीं होता। होता क्या है, यहाँ पर आपका एक विश्वास बन जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप अपने आप को क्या बता रहे होते हैं, हाय अब मेरी ज़िंदगी की समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी, अब सब अच्छा अच्छा होगा, अब भगवान की कृपा से मेरे सारे संकट चले गए, अब सब कुछ अच्छा होगा। तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट में शिफ्ट हो जाते हैं, और फिर जो आप पहले परेशान होने की वजह से नहीं कर पा रहे होते, आप वो करने लायक हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन उस विश्वास की वजह से शांत हो जाता है। अब आपका मन शांत हो गया है तो जो चीज़ें आपको पहले पैनिक करके परेशानी में दिख नहीं रही होती, अब वो दिखने लगती हैं। आप उनके लिए पूरे विश्वास से जब प्रयास करने लगते हैं तो वो फिर आपकी वास्तविकता को बदलने लग जाती हैं, और फिर जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो आपका विश्वास खुद पर नहीं होता उस वक्त, वो जो उपाय आपने किया होता है उस पर होता है, क्योंकि आपको लगा है कि इस वजह से ऐसा हुआ है। तो ऐसा ही खेल कुछ वाइब्रेशंस का होता है कि हम हर वक्त कुछ बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, वाइब्रेशंस ऐसे एक्सचेंज करते हैं। तो जैसे एक सबसे ऐसे बहुत पॉपुलर वो है कॉन्सेप्ट कि ना, अगर आप पानी पिए तो पानी की अपनी एक मेमोरी ऐसे होती है, और पानी को अगर आप कुछ भी पॉजिटिव बोलते हैं तो पानी उसे स्टोर कर लेता है, और फिर उसी एनर्जी के साथ आप जब उस पानी को पीते हैं तो आपके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो जैसे ये मेरे पास पानी है, अब पानी मैंने अपने हाथ में लिया, एक इंसान दिन में 7 से 8 गिलास पानी तो पीता ही है। अब अगर आप पानी पी रहे हैं और इस पानी के साथ एक विश्वास जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में भी 72% वाटर है,
वाटर को इमोशन से भी अटैच किया गया है, अलग अलग जैसे एस्ट्रोलॉजी में है ना, ऐसे वाटर मून से एसोसिएट किया गया है, और वाटर हमारे इमोशंस के लिए, हमारा वाटर एलिमेंट हमारे अंदर होता है. सो आप ऐसे अलग अलग एसोसिएशन से, अलग अलग जो भी विद्वान हैं अपने अपने क्षेत्र के, उन्होंने ऐसे एसोसिएशन किया है. अब उसकी कितनी सच्चाई है, इसको अगर हम साइड करके सिर्फ एक विश्वास की शक्ति को समझें और इसका एक एसोसिएशन हम अपने फ़ायदे के लिए पॉजिटिव वे में करें, तो हमारा बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. जैसे हमारे अंदर वाटर तो है ही, अब ऐसी बहुत सारी बुक्स भी आई हैं, ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस भी क्लेम की गई हैं, वहीं पर कुछ रिसर्चेस ने उनको जो पहले के क्लेम है उन्हें नकार दिया है. इन सब में ना पढ़कर अगर हम सिर्फ इसको एक फेथ की तरह अपने दिमाग में बिठाएं, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें 100% मिलेंगे. तो जैसे पानी को लेके, कि अगर पानी हम पी रहे हैं और इससे पहले हम जस्ट एक पॉजिटिव थॉट क्रिएट करें, जैसे अगर आपको अपनी हेल्थ सुधारनी है कि मैं ये पानी जब पीऊँगी, मेरे अंदर ये पानी जाकर इतनी अच्छी प्रतिक्रिया देगा कि मेरे शरीर के सारे रोग दूर हो जाएंगे और मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगी. सो ये हमारा विश्वास, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी उपाय में, किसी अंगूठी ताबीज में कुछ नहीं होता, आपका उससे जो जुड़ा हुआ विश्वास है उसमें ताकत होती है. तो ऐसे ही जब आप पानी को चार्ज कर रहे होते हैं, आपने अभी मैंने आपको क्या बोलकर दिखाया, मैंने आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी कि मैंने एक रियलिस्टिक वे में अपने आप को कुछ एक विश्वास दिया. अब मैंने इसको पूरे अगर मन से, पूरे विश्वास के साथ ऐसे पानी पर पढ़कर अगर मैंने इस पानी को पिया कि हाँ इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे, मैंने विश्वास किया, तो मैजिकली मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि सब कुछ हमारे विश्वास का ही है. हम जो खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, करते हैं, सब कुछ उसमें हमारे थॉट्स और हमारे विश्वास का सारा रिजल्ट होता है. अब कुछ लोग डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अगर ऐसा होता है और मैंने अगर पानी पीते वक्त या कुछ भी खाते वक्त मैंने कुछ गलत वाइब्रेशंस डाल दी उसमें, मैंने कुछ गलत सोच लिया, तो क्या वो चीज़ वहाँ पे मैनिफेस्ट हो जाएगी क्या? मैनिफेस्टेशन इस तरह से नहीं होता कि आपने एक बार पानी पे कुछ बोला या आपके मन में कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है तो उससे कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा और आपका वो हो जाएगा. नहीं, आपका विश्वास बहुत पक्का होना चाहिए और वो पॉजिटिव होना चाहिए. अब जब आपने पूरे विश्वास के साथ बहुत ही पॉजिटिवली पूरा बार 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 कोई, जैसे अपने आप को, अगर आपको काम करना है, सो मैं एकदम काम इंसान हूँ, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी मैं शांत रह पाती हूँ, कोई मुझे कितना भी नाराज़ करने की, गुस्सा करने की कोशिश करे, फिर भी मैं अपनी शांति बनाए रखती हूँ. आपने पूरे विश्वास से किया क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं, अपने आप को बनाना चाहते हैं, और आप ऐसा कई बार रिपीट करेंगे. जब आप बार 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 रिपीट करेंगे तो उस रिपीटेड रीइन्फोर्समेंट से, बार 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 आप जब एक ही बात अपने आप को बोल रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, तो धीरे 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 आपके मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी और आपको लगेगा कि आपने जो पानी पर पढ़ा है तो पानी ने ऐसा किया. नहीं, पानी को अगर आप सिंपल तरीके से भी अलग से पियेंगे और अपने आप को सिर्फ ऐसा बोलते रहेंगे, जैसे अभी मैंने आपको अफर्मेशन बोली है, तो आप तब भी बन जाएंगे. लेकिन पानी के साथ इसका एसोसिएशन करने से कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हम इस तरीके के पॉजिटिव एसोसिएशन करते हैं सो उससे हमारे लिए किसी भी चीज़ को रेगुलर फॉलो करना आसान हो जाता है. अब देखिए, दिन में कोई 7 से 8 ग्लास पानी पिएगा, अगर आपने इसे वाटर से एसोसिएट कर लिया, तो आप कम से कम 7 से 8 बार तो नियम से अपने उस जो आप चाहते हैं उस विश्वास को बार बार रिपीट करेंगे. अगर आपने किसी चीज़ से उसका एसोसिएशन नहीं किया तो शायद आप एक आध बार करेंगे, भूल जाएंगे. लेकिन वाटर एक ऐसी चीज़ है जो आप डेली पियेंगे, और बहुत कम भी अगर आप पानी पियेंगे तो कम से कम 2 से 3 ग्लास तो पीता ही है हर इंसान. इतनी तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, शरीर मांगती है. तो उस वक्त आपका कम से कम उतनी बार तो रिपीटेशन हो गया. सब रिपीटेशन का गेम है. सो किसी भी ऐसी चीज़ से आप एसोसिएट करने से आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपकी एक रेगुलरिटी, एक कंसिस्टेंसी बन जाती है, वो चीज़ आप कर पाते हैं. और फिर जब आप पानी को इस तरीके से कोई अफर्मेशन के साथ आप पियेंगे, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका विश्वास जो है ना, उस पानी में सच में आपको कुछ ऐसा फील कराएगा. तो आप अपने इस बिलीफ को बिल्कुल पक्का रखें, इस चीज़ में ना पड़ें कि कौन सी रिसर्च क्या कहती है, कौन सी इसे खारिज करती है. ये विश्वास का मैटर है. सदियों से ये विश्वास चला आ रहा है, पहले भी लोगों के लिए काम करता था, आज भी लोगों के लिए काम करता है और आगे भी करता रहेगा.
अगर किसी भी चीज़ पर आपका कोई विश्वास नहीं होता है तो वो अच्छी से अच्छी चीज़ भी आपके काम नहीं करती है। अगर आपको कोई भी बीमारी भी हो जाती है और आप डॉक्टर की दी हुई दवाई अविश्वास से खाते हैं सो वो आपके ऊपर काम नहीं करती है। उसको अगर स्पिरिचुअलिटी में बोलेंगे तो उसकी वाइब्रेशन स्लो कर दी आपने। कैसे लो करी? क्योंकि आपने उस टाइम पर अविश्वास और अपनी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी ऐसे कर ली। लेकिन आपने अगर ये देते हुए गोली खाते हुए, क्योंकि आप अगर किसी ऐसे डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं जिस डॉक्टर पर आप बहुत भरोसा करते हैं तो ऑलरेडी आपका इतना विश्वास जुड़ा हुआ था, उसके हाथ की कोई भी गोली आप पे ज़्यादा असर करती है। तो क्या है विश्वास का कमाल है? आप जब खाते हैं और एक थॉट क्रिएट करते हैं कि ये गोली मेरे शरीर में जाकर मेरी सारी परेशानियों को दूर कर रही है, तो वो जो विश्वास जोड़ देते हैं वो हर चीज़ की इफेक्टिवनेस बढ़ा देती है। आप नेगेटिव सेंस में तो आपके दिमाग में कुछ ऑटोमेटिक अगर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो वो अनवांटेड थॉट है, वो आप चाहते नहीं हैं कि आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। वहाँ पर आपका डर आपको प्रोटेक्ट करेगा तो वो चीज़ आपकी लाइफ में कभी मैनिफेस्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ऑटोमेटिक थॉट आपके दिमाग में आ रहे हैं और वो ऐसे मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। नहीं, आपको पूरे विश्वास के साथ कोई चीज़ बार 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 रिपीट करनी होगी, और जब आप रिपीट करें उसमें आपका विश्वास, आपके इमोशंस की पावर और कंसिस्टेंट एक्शन, तब जाकर मैनिफेस्टेशन होता है। तो कुछ लोग डर जाते हैं कि ये ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाएगा, मेरे दिमाग में पानी पीते वक्त अगर कुछ गलत थॉट आ गए तो वो भी वाइब्रेशंस चली जाएंगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, कोई भी नेगेटिव थॉट किसी भी चीज़ की वाइब्रेशंस को लो कर सकता है, क्योंकि इस टाइम आप डर रहे होते हैं, उससे परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता। मैनिफेस्टेशन उन चीज़ों का होता है जो चीज़ आप अपनी इच्छा से, कंसिस्टेंसी से, पूरे इमोशंस की इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे होते हैं। तो इसे डरने की, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको वो चीज़ जो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ रही है, नेगेटिव थॉट या कोई डर लग रहा है, तो वो आपको अपनी साइकी पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने इन चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है और आप उसका एसोसिएशन इस तरीके से कर रहे हैं। आपको उस रॉन्ग एसोसिएशन पर वर्क करना है, समझना है कि इस तरह से नहीं होता है वो चीज़। हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बार 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 रीइन्फोर्समेंट कर लेंगे तो वो तो कोई भी चीज़, आप चाहे पानी से एसोसिएट ना करें, कोई भी चीज़ बार बार अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, आप कुछ भी गलत एक्शंस लेंगे, तो वो तो आपकी ज़िंदगी में रियलिटी बनेगी। उसे मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, तो कोई भी चीज़ नेगेटिव या पॉजिटिव अगर आप बार 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 रिपीट करते हैं अपने अंदर, आपको उसी तरीके की डायरेक्शन में आप एक्शन लेने लग जाते हैं या एक्शन लेना बंद कर देते हैं, तो वो चीज़ धीरे धीरे आपके सामने प्रकट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसे डरने वाली बात नहीं होती है। तो कोई भी ऐसे अच्छे विश्वास अगर आप जोड़कर चलते हैं, पॉजिटिव एसोसिएशन करते हैं जिसमें कि आपका कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। पर अंधविश्वासों से आपको हमेशा बचना चाहिए। तो वाटर के साथ पॉजिटिव एसोसिएशन आपकी हेल्प करता है। आप दूसरे को भी इवन वाटर ऑफर कर रहे हैं और आप उस टाइम पॉजिटिव स्टेट में हैं, तो आप दूसरे को भी अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन अंधविश्वासों से हमें दूर रहना चाहिए कि हम सोचें कि हमने कोई अंगूठी ताबीज़ ये पहन लिया और अपनी वाइब्रेशंस को आर्टिफिशियली हमने हाई कर लिया, अब सारा कुछ काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप देख लीजिएगा, जो लोग ये सारे जुगाड़ करने के साथ अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, चाहे वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हो या इन जनरल कुछ और ठीक करना चाह रहे हो, उनकी लाइफ में कुछ भी पहनने से, कोई भी दान करने से, कहीं जाने से, माथा टेकने से कुछ ठीक नहीं होता। जो लोग इन चीज़ों के साथ एसोसिएट होकर एक्शंस भी लेते हैं, उन लोगों को ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए, आप अगर वाटर टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं कि पानी पीने से पहले जस्ट एक आपने पॉजिटिव थॉट कि मैं बहुत खुश हूँ और फिर आपने पानी पिया, तो ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ कि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप अपने इस पॉजिटिव विश्वास को ज़रूर बनाए रखेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।